नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी दोस्तों प्रैक्टिकल गुरु चैनल में दोस्तों आज आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज आपको बता रहा हूँ मैं बॉम एंड बॉम व्हील किस तरीके से काम करता है। दोस्तों इस बॉम व्हील का उपयोग अधिकतर दोस्तों जो डैम रहता उस डैम के अंदर जो फाटक लग रहे थे, जो गेट लग रहे थे, उनको ओपन करने के लिए इस बॉम एंड बॉम व्हील गियर का यूज किया जाता है, यानी मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। दोस्तों ये किस तरीके से काम करता है, इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी रहती है दोस्तों, वेलोसिटी रेशियो क्या रहता है, उसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। पूरा मैं आज आपको एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा और कितना वेलोसिटी रहती है, कितना मैकेनिकल एडवांटेज रहता है, कितनी एफिशिएंसी निकलती है, उसके बारे में आज पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले इसके ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स लग रहे थे, उनका क्या काम रहता है दोस्तों, उसके बारे में आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसकी मैं रीडिंग भी लूंगा और रीडिंग लेके इसका मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले जो वॉर्म एंड व्हील का जो एपरेटस है उसके ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स लग रहे थे, उनका क्या काम रहता है दोस्तों। तो सबसे पहले ये रहता है दोस्तों, ये पुली रहती है, इस पुली के ऊपर एक शाफ्ट लग रही थी, उसके ऊपर बॉम व्हील लगा रहता है, बॉम गियर लगा रहता है दोस्तों। इस बॉम गियर का कॉन्टेक्ट रहता है दोस्तों बॉम व्हील से, जो बॉम गियर रहता है इस व्हील के ऊपर मूव करता है। लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि इसके ऊपर भले आप कितना भी लोड लगा दोगे, दो लोड लगा दोगे लेकिन ये स्लिप नहीं होता बिल्कुल, ये कितना भी आप लोड लगा दोगे इसको स्लिप नहीं होता, क्योंकि जो गेट रहते हैं ना उसके ऊपर पानी का कितना प्रेशर रहता है, उस पानी के प्रेशर को रोकने के लिए इस बॉम एंड बॉम व्हील गियर का ही यूज अधिकतर डेमो में किया जाता है दोस्तों। अब ये हो गया आपका, ये पुली हो गई, इस पुली का जो डायमीटर रहता है वो दोस्तों कैपिटल डायमीटर रहता है, तो मैं आपको उसको कैलकुलेशन करूंगा तो वहाँ बताऊंगा। ये बॉम व्हील रहता है, बॉम गियर रहता है, ये बॉम व्हील रहता है, और ये रहता है ड्रम, यानी लोड ड्रम, इसका डायमीटर स्मॉल डी से हम बताते हैं। जब हम इसके अंदर वेलोसिटी रेशियो निकाल देंगे तो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं बेसिकली चार कंपोनेंट रहते हैं, एक पुली ये हो गई कैपिटल डी, स्मॉल डी, और टीथ, नंबर ऑफ टीथ। इस जो बॉम व्हील है इसके ऊपर 120 टीथ है दोस्तों, इस तरीके से वेलोसिटी निकालेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 1 किलोग्राम लोड को उठाने के लिए कितना एफर्ट लगाते हैं, यानी कम वजन लगाने पर ही हम हेवी से हेवी वाहन को उठा सकते हैं दोस्तों। अब इसके ऊपर 1 kg गेट वजन मैंने लगाया है, इधर आपका देखो ये 50-50 ग्राम के, और जो पेन का वजन है वो 20 ग्राम है। तो जब मैं इसके ऊपर 172 ग्राम का लोड अप्लाई करूँगा तो दोस्तों धीरे धीरे दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, धीरे धीरे देखो, मैंने ओनली 172 ग्राम वजन लगाया है और 1 kg वजन को ये आसानी से उठा रहा है। इसी तरह मैं इसके ऊपर 1 kg और वेट अप्लाई करूँगा, देखो अब इस वजन को उठाने के लिए कितना ग्राम की आवश्यकता रहेगी देखना दोस्तों। मैंने 50 ग्राम और वजन इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ओनली 200 ग्राम वजन लगाने पर हम इसके ऊपर 2000 ग्राम का हम वजन, यानी 2 kg को वजन को उठाने के लिए ओनली 200 ग्राम की आवश्यकता रहेगी। इस तरह मैंने इसके ऊपर 3 kg का वजन लगा देता हूँ दोस्तों, 3 kg वजन उठाने के लिए कितने ग्राम की आवश्यकता रहेगी दोस्तों। एक और वेट अप्लाई करता हूँ दोस्तों, देखो धीरे धीरे जाने लगा ना, ये जाने लगा, यानी आपको 3 kg वजन को उठाने के लिए ओनली 272 ग्राम वेट की आवश्यकता हुई। इसी तरह आपको मान लीजिए 1000 ग्राम है, यानी 1 क्विंटल वजन है, उसको उठाने के लिए ओनली आपको 1 kg वजन की आवश्यकता पड़ेगी। इतना लोड ये आसानी से उठा लेता और उसको इफेक्ट पड़ता, जो भी इसको खोल रहा है ओपन कर रहा है उसको भी आसानी रहती है, किस तरीके से ये लोड को आसानी से उठा लेती दोस्तों। तो इसका मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ वो किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको वहाँ पर तो बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको समझा दिया कौन कौन से पार्ट्स लग रहे थे, अब मैं आपको इसका थ्योरी बताता हूँ। जो लोड है उसको हम W से बताते हैं दोस्तों, इसके ऊपर जो इफेक्ट लगाते हैं उसको हम P से बताते हैं। तो इसके ऊपर हमने जो 1 kg वजन लगाया था उसके ऊपर जो हैंगर था उसका वजन 110 ग्राम था, तो वेट ऑफ पेन था उसका 110 ग्राम था, डायमीटर ऑफ द पुली है कैपिटल डी 111 mm है, डायमीटर ऑफ द लोड ड्रम है, जो लोड ड्रम है स्मॉल डी 140 mm है, नंबर ऑफ टीथ ऑफ द वॉर्म व्हील उसके 120 टीथ है दोस्तों। अब हमने 1110 ग्राम वजन उठाने के लिए ओनली 172 ग्राम एफोर्ट लगाना पड़ा, तो जो मैकेनिकल एडवांटेज रहता है उसको कैसे निकालता है दोस्तों, ठीक है। तो किस तरीके से निकालता है दोस्तों, जो मैकेनिकल एडवांटेज रहता है लोड अपॉन इफेक्ट एफोर्ट,
कितना लोड लिफ्ट किया, कितना एफर्ट लगाया। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या रहता है, 1010 ग्राम में हमने डिवाइड कर दिया 172 का, तो ये कितना निकला वो दोस्तों 6.45, ठीक है, जो 1000 का। ऐसे 2000 ग्राम का हमने लिफ्ट उठाया, उसको 222 ग्राम की आवश्यकता पड़ी, 3110 ग्राम को उठाने के लिए 272 ग्राम की आवश्यकता। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज रहता है वो दोस्तों इस तरीके से निकला। वेलोसिटी रेशियो क्या रहती है दोस्तों, जो वेलोसिटी रेशियो रहती है जो टी रहती है, टी मल्टीप्लाई बाई कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो जो वेलोसिटी रेशियो रहता है वो किस तरीके से निकलता है दोस्तों, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव बाय लोड, यानी कितना एफर्ट लगाने पे कितना डिस्टेंस लोड मूव हुआ, ठीक है। तो जो वेलोसिटी रेशियो इसमें लिखाए गए, जो नंबर ऑफ टीथ थे 120 थे, डायमीटर एक पुली का था दोस्तों 111 mm, और इसका जो स्मॉल डायमीटर था 140 mm। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो जो वेलोसिटी निकल आएगा दोस्तों, वेलोसिटी जैसे निकल आएगा तो एफिशिएंसी किस तरीके से निकला है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तो इस तरीके से ये मैकेनिकल एडवांटेज ये निकला, वेलोसिटी इसका कांस्टेंट रहता है, मान लीजिए एक बार निकाल लिया तो कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद इस तरीके से हम इसको अलग अलग उसमें निकालने पर इसकी जो एफिशिएंसी रहेगी, पहली रीडिंग जो 1 किलो वजन उठाया था उसकी 6.77 रहेगी, दूसरी रीडिंग ये 2110 ग्राम उठाने के लिए इतनी एफिशिएंसी रहेगी, तीसरी रीडिंग या 3110 ग्राम उठाने के लिए इतनी एफिशिएंसी लगेगी। यानी जितना भी ज़्यादा लोड को उठाने के लिए एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से आज आपने देखा दोस्तों बॉम एंड बॉम व्हील किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं प्रकाश कुमार सैनी, JP University, गुना मध्य प्रदेश, थैंक यू।